हेलो गाइज, आज की अपनी इस डिफरेंस बिटवीन सीरीज में हम डिस्कस करेंगे टू वर्ड्स वांट और नीड के म्यूचुअल डिफरेंसेस के बारे में, और हम बताएंगे उनका राइट कॉन्टेक्स्ट क्या है और उनके क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं डिफरेंट सेंटेंसेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि स्टूडेंट्स इन दोनों वर्ड्स के यूजेज को लेकर के कन्फ्यूज होते क्यों हैं। उसका रीजन ये है कि वॉन्ट और नीड दोनों का ही मीनिंग कहीं ना कहीं मालूम पड़ता है जरूरत। नीड मीन्स भी जरूरत और वॉन्ट मीन्स भी जरूरत, लेकिन इनके जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनमें डिफरेंस है, जिसकी वजह से यूजेज इनके डिफरेंट है। यही वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स राइट वे में अपने सेंटेंस में इनको यूज नहीं कर पाते, और एडिटिंग जैसे क्वेश्चंस में कई बार इनकी वजह से वो इनकरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स को इनका म्यूचुअल डिफरेंस क्लियर नहीं होता, इनके कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होते। यहाँ एक बात हम ये भी बता दें कि इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स एग्जैक्टली बहुत कम वर्ड्स होते हैं, यानी ऐसा बहुत कम होता है कि आप ए वर्ड की पोजीशन में बी वर्ड को यूज कर सकें। मोस्टली वर्ड्स नियर वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप सिनोनिम्स कहते हो, उनके कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं माइक्रो डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से सेंटेंस मेकिंग में आपको वो कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना होता है, अदरवाइज आप रॉन्ग हो सकते हैं। ओके, तो सेंटेंसेज में उनके यूजेज में थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है, यही वजह है इस तरह के वर्ड्स में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। एक पॉइंट ये भी हम बताना चाहेंगे कि इन दोनों वर्ड्स का जो जहां तक सीमेंटिक वैल्यू है, इनका जो सेंस है उसको लेकर के थोड़ा समझिए। वांट और नीड के सेंस में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे समझना है। देखिए, नीड आता है जहां पर हम बात करते हैं उन चीजों की जो अपनी लाइफ को बैलेंस वे में जीने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, या आप हिंदी में कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब क्या है? नीड, क्योंकि ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरी तरफ वॉन्ट उन चीजों के लिए यूज होता है जो चीजें हम प्रिफर करते हैं कि हमारे पास हो। लाइक हम सोचते हैं हमारे पास रिस्ट वॉच हो, हम सोचते हैं हमारे पास एक अच्छा एंड्रॉयड फोन हो, हम सोचते हैं कि हमारे पास लैपटॉप हो, एक अच्छी रेंज का लैपटॉप। तो ये सब किस में आएगा? वॉन्ट में, क्योंकि हम इसके बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये एक बिग डिफरेंस है। ओके, आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। वॉन्ट में वो चीजें आती हैं जिन्हें हम प्रेफर करते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं, लेकिन उनके बगैर भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। नीड में मोस्टली वो चीजें आती हैं जो हमारी सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड हैं। ओके, वाटर हमारे लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन चॉकलेट या आइसक्रीम हमारी वांट है, नीड नहीं, क्योंकि इनके बगैर भी लोग जिंदा रहते हैं। ओके, सो दिस इज द म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। अब हम बात करते हैं इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच की और यूजेज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं वांट। वॉन्ट को हम एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं। आई वॉन्ट अ चॉकलेट, यहां पर हमने वॉन्ट को यूज किया है एज ए वर्ब। हर बिजनेस कॉलैप्स ड्यू टू वॉन्ट ऑफ मनी, उसका बिजनेस पैसे की कमी के कारण कॉलैप्स हो गया। ओके, यानी डाउन हो गया, खराब हो गया। तो यहां पर हमने जो वर्ड यूज किया है वॉन्ट, ये क्या है? नाउन। तो आपने देखा हम इसको दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं वॉन्ट को, राइट? अब हम डिस्कस करते हैं नीड। नीड को भी आप एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। डू यू हैव एनी नीड, क्या आपकी कोई जरूरत है? तो यहां इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने नीड को यूज किया है और एज ए नाउन यूज किया है। सेकंड सेंटेंस लेते हैं जहां पे हम इसे एज ए वर्ब यूज करते हैं। आई नीड अ न्यू मोबाइल राइट नाउ, मुझे एक नए मोबाइल की जरूरत है अभी, मुझे अभी एक नए मोबाइल की जरूरत है तुरंत। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं? आई नीड अ न्यू मोबाइल राइट नाउ। तो नीड क्या है? एज ए वर्ब, यहां पे वर्ब है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेज आप डेवलप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो सकता है कुछ डाउट्स आपके ऐसे रह जाएं जो क्लियर ना हो। तो जब भी आप कोई लेसन लेते हो तो कॉमेंट बॉक्स में आप अपना एक एक सेंटेंस जरूर पोस्ट करना, एक सेंटेंस जिसमें आप नीड को अप्लाई कर रहे हैं, एक सेंटेंस जिसमें आप वॉन्ट को अप्लाई कर रहे हैं, और अपनी पर्सनल नोटबुक में आप एटलीस्ट 10-10 एग्जाम्पल दोनों कैटेगरीज में लें। तो इससे आपको इनका म्यूचुअल डिफरेंस क्लियर हो जाएगा और आगे कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ऐसा ही कोई फर्दर क्वेश्चन है जो अभी हमारी प्लेलिस्ट में आपने नहीं देखा है और वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा आपको लगता है और आपको क्लियर नहीं है, तो कॉमेंट बॉक्स में उसे भी शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू। आई विल बी बैक विद ए न्यू कॉन्सेप्ट। बाय बाय।